नमस्कार दोस्तों, अब ये भी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर। गुजरात डूब गया, भारी बारिश के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट में घुसा पानी, घुटनों तक दोस्तों पानी भर गया है। पिछले 2 दिन से गुजरात में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पानी में डूबा हुआ है दोस्तों, घुटनों तक पानी भर गया है। कांग्रेस नेताओं सहित कई सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो शेयर किया है जिसमें कथित तौर पर हवाई अड्डे पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हवाई अड्डे पर जलभराव के कारण यात्रियों को अपनी फ्लाइट के लिए समय पर पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अधिकारियों ने यात्रियों से अपनी फ्लाइट के बारे में अपनी एयरलाइनों से जांच करने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक दीपक खत्री ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के टर्मिनल के बाहर पानी से भरी सड़क का एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी के 28 साल के शासन के बाद गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे की यह हालत है। ये नरेंद्र मोदी का आदर्श राज्य है। अन्य यूजर्स ने भी तरह तरह की टिप्पणी की है। शनिवार को गुजरात के दक्षिण और सौराष्ट्र क्षेत्र के कई जिलों में भयंकर से अति भयंकर बारिश हुई है, जिससे शहरी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बांधों और नदियों में जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। हजारों गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। एनडीआरएफ की टीम ने शनिवार को जूनागढ़ जिले में बचाव अभियान चलाया है। बचाव अभियान में एनडीआरएफ कर्मी आम जनता तक पहुंचे, उन्हें शहर के बाढ़ और जल भराव वाले इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। जूनागढ़ में शनिवार शाम 4 बजे तक 8 घंटे में 219 mm बारिश होने के बाद दोस्तों सैकड़ों वाहन कागज की नाव की तरह बह गए हैं। हजारों पशु पक्षी भी बह गए हैं। अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। यहां जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। यही हाल नवसारी जूनागढ़ का है। इस समय गुजरात के अंदर कुदरत का कहर टूट गया है। गुजरात के अंदर भयंकर से अति भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही है। चारों ओर दोस्तों इस समय हाहाकार मच रहा है और मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए गुजरात में रेड अलर्ट जारी कर दिया। इस समय गुजरात डूबा हुआ है। आप सभी से विनती है कि रात के समय सावधान रहें। भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें। वीडियो को लाइक शेयर करें।